नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस स्पीक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आपको याद होगा आज से करीब 7 दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब सेक्शन में एक फोटो को पोस्ट किया था, जिसमें मैं आपको ये अपडेट दिया था कि AHL के कैट्स वॉरियर, जो कि एक पार्ट है AHL के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का, उसके डिजाइन में कुछ चेंजेस किया गया है। तो आज जब AHL की तरफ से कैट सिस्टम के ऊपर एक वीडियो को रिलीज किया गया है, तो ये बात कन्फर्म हो गया है कि कैट्स वॉरियर के डिजाइन में चेंजेस हुआ है। तो आज हम इसी अपडेट को डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो में हमें क्या क्या नया चीज देखने को मिला है, साथ ही क्या कुछ चेंजेस किया गया है कैट्स वॉरियर में। तो अगर बात करें इस वीडियो की, तो इस पूरे वीडियो में कैट सिस्टम के दो ऑपरेटर्स को आप देख पाएंगे, जिसमें पहले तो एयरफोर्स को और बाद में इंडियन नेवी को दिखाया गया है। तो जो स्पेकुलेशंस लगाया जा रहा था कि IF के साथ साथ नेवी भी इसको लार्ज अमाउंट में इंडक्ट कर सकता है, ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि इंडियन नेवी भी कैट्स प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है। अब आते कैट्स वॉरियर, जो कि बेसिकली एक लॉयल विंगमैन है, इसके चेंजेस के ऊपर। तो इसमें जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वह है इसके एयर इंटेक के ऊपर। 2021 के एयर इंडिया में जो इसके फुल स्केल मॉडल को प्रेजेंट किया गया था, उसमें एक सिंगल सर्पेंटाइन एयर इंटेक को रखा गया था, मगर इसके प्रेजेंट के डिजाइन में इस एयर इंटेक को एयरक्राफ्ट के ऊपर रखा गया है। इसके अलावा इसके पिछले डिजाइन में इसके इंजन के एग्जॉस्ट में चेवरन नोजल डिजाइन को रखा गया था, जो कि रिड्यूस करता है एयरक्राफ्ट के जेट ब्लास्ट नॉइस को। इसके अलावा यह एयरक्राफ्ट को स्टेल्थी भी बनाता है। इस तरीके की डिजाइन आप F-35 लाइटनिंग 2 में भी देख पाएंगे, मगर रिसेंटली जो डिजाइन AHL की तरफ से दिखाया गया है, उसमें यह नोजल डिजाइन प्रेजेंट नहीं है। शायद ये भी हो सकता है कि इस वीडियो में डिटेलिंग के ऊपर काम नहीं किया गया है, इसीलिए ही वो विजिबल नहीं है। मगर अगर डिजाइन में यह चेंज किया जाता है, तो यह एयरक्राफ्ट के स्टेल्थीनेस में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब इसके कैपेबिलिटीज की बात करें, तो इसको 2 इंजन्स पावर प्रोवाइड कराएगा, जिसमें AHL के HTFE-25 की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा इस विंगमैन में इंटरनल वेपन बे को भी रखा गया है, जिसमें ये 200 यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स को कैरी करेगा। साथ ही इसमें 2 सेल्फ डिफेंस वेपन्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज मिसाइल्स या 2 BVR मिसाइल्स शामिल है। साथ ही ये सेंसर पॉड को भी कैरी करेगा, और इसके अलावा ये स्वार्मिंग का भी कैपेबिलिटी रखेगा। बेसिकली इस तरह के 4 वॉरियर्स एक साथ ग्रुप में चलेगा, जिसको ऑपरेट करेगा मदरशिप, जो कि LCA तेजस होने जा रहा है। इसके अलावा भी ये कैट्स वॉरियर्स हेलीकॉप्टर्स, एवएक्स रिफ्यूलर्स, कार्गो, NAPS स्यूडो सैटेलाइट, ग्राउंड बेस्ड सर्च एंड ट्रैक रडार्स और शिप बेस्ड नेवल रडार्स के साथ भी कोऑर्डिनेट बना के रखेगा। इसके अलावा इसमें सैटकॉम की कैपेबिलिटी भी रहेगा। इस वीडियो में दिखाए गए कैट्स के दूसरे पार्ट्स की बात करें, तो कैट्स इन्फिनिटी को भी इसमें दिखाया गया है, जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट है, जो कि लॉन्ग एंड्यूरेंस, लॉन्ग रेंज, परसिस्टेंट ISR और वेंटेज पोजीशन के साथ आएगा। कैट्स हंटर के डिजाइन में भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। यहाँ ये अपने पिछले मॉडल में एक क्रूज मिसाइल के जैसा दिखाई देता था, तो अब ये इस तरह के डिजाइन के साथ नहीं आएगा। और जो RUAV को इस वीडियो में दिखाया गया है, ये कुछ हद तक इंस्पायर्ड दिखता है AHL के LUH से, यानी फ्यूचर में इसी LUH के डिजाइन के बेस पर ही RUAV को बनाया जाएगा, जो कि स्पेशली नेवी के जरूरतों को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों, पॉसिबिलिटी तो यही लगता है कि इसका नंबर ऑफ इंडक्शन काफी ह्यूज होगा, जो कि आप इस वीडियो के शुरुआत में देख सकते हैं। इसके आगे तो 2024 के बाद ही पता चलेगा, जब इसको रोल आउट किया जाएगा। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कॉमेंट में जरूर बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।